हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन सुथार, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट काउंटिंग RSNR में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेल्स एंड सर्विसेज बिजनेस की अकाउंटिंग टेली ERP 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेल्स एंड सर्विस अकाउंटिंग मेंटेन यानी कि एक ऐसी कंपनी जो सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है और अपने प्रोडक्ट को भी सेल करती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो एक एग्जांपल लेने वाले हैं वो एक मारुति कंपनी का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि मारुति कंपनी में अगर कोई कस्टमर अपनी गाड़ी को सर्विस करवाता है तो उसे उस सर्विसेज के भी चार्ज पे करने पड़ते हैं। अगर वो कस्टमर अपनी गाड़ी के लिए उसी कंपनी में से कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो उस प्रोडक्ट के पैसे भी उसको पे करने पड़ते हैं। तो अगर इस तरीके की अगर कंपनी में अकाउंटिंग मेंटेन करें तो वो किस तरीके से करेंगे, ये सब कुछ आज आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, आप चाहे किसी टू व्हीलर कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो, चाहे आप किसी फोर व्हीलर कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो, दोनों में जो प्रोसेस है वो बिल्कुल इक्वली रहता है। लेकिन जो डिफरेंस रहता है वो केवल ये रहता है, अगर हम फोर व्हीलर कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं कार का, अगर आप किसी टू व्हीलर कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो तो वहाँ पर आप वर्ड यूज़ करोगे बाइक का। लेकिन जो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो दोनों में इक्वल रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप आज की इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप किए बगैर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको टेली, बिजी, मार्ग, फैटेक्स जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को 100 प्रैक्टिकल के साथ अकाउंटिंग और टैक्सेशन का कोर्स करवाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने ये एक इनवॉइस है, श्री गणेश इंटरप्राइजेस से हमने एक गुड्स परचेज किए, लुब्रिकेंट ऑयल 5 लीटर और एक एयर फिल्टर, क्योंकि हमारा जो वर्किंग है वो सर्विसेज एंड सेल्स का है। तो हम कुछ प्रोडक्ट जो सेल भी करते हैं और सर्विस भी लेते हैं, तो इसकी अकाउंटिंग हम इसको प्रैक्टिकल तरीके से सबसे पहले इस जो हमारा ये इनवॉइस है, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट सेल करने होते हैं वो प्रोडक्ट हमें परचेज भी करने होते हैं। तो ये हमारा एक परचेज का इनवॉइस है श्री गणेश इंटरप्राइजेस से, तो इसकी एंट्री हम टेली में कैसे करेंगे और उसके बाद में हमारे जो कस्टमर को हम जो सेल्स इनवॉइस प्रोवाइड कराएंगे वो किस तरीके से करेंगे। तो चलते हैं हमारी टेली की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड, टेली की स्क्रीन पर सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कंपनी क्रिएट करने से हमारी कंपनी का नाम रहेगा स्मार्ट सेल्स एंड सर्विस। तो ये हमारा यहाँ पर एड्रेस रहेगा, नियर मेन बस स्टैंड रायसिंह नगर, कंट्री इंडिया, स्टेट हमारा राजस्थान। यहाँ पे हमारा पोस्टल कोड रहेगा। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भी आप पूरा फिलअप कर सकते हो। तो इसको एक बार मैं अभी स्किप कर रहा हूँ मैं। तो फाइनेंशियल ईयर मेरा 1/4/2020 से रहने वाला है और मैं सिक्योरिटी कंट्रोल को भी मैं स्किप कर रहा हूँ मैं। तो मैं इंटर प्रेस करके ये कंपनी क्रिएट कर लिया है। तो ये स्मार्ट सेल्स एंड सर्विस हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें जो कंपलसरी ऑप्शन होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, जैसे GST को इनेबल करना और हमारे जो वाउचर्स मोड है तो उसको ऑटोमेटिक से हटा के मैनुअल करना। तो सबसे पहले हम GST को इनेबल करेंगे। तो GST को इनेबल करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11 और F11 करने के बाद कंपनी फीचर में हम सेलेक्ट करेंगे स्ट्रेसरी एंड टैक्सेशन के फीचर को। इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन होता है इनेबल GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट नो रहता है जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं। तो मैं इसको यस करूँगा और इसको यस करने के बाद सेट GST डिटेल को भी मैं यस करूँगा। तो जैसे यस करूँगा तो GST डिटेल संबंधित को मेरे को यहाँ पे कुछ फिलअप करना होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन टाइप में मैं रेगुलर सेलेक्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये रेगुलर और कंपोजिशन क्या होता है इसका वीडियो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, आप वहाँ से इन दोनों में डिफरेंस चेक कर सकते हो भी कंपोजिशन डीलर कौन से होते हैं और रेगुलर डीलर कौन से होते हैं। तो मैं रेगुलर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे GST एप्लीकेबल मेरी 1/4/2020 से रहेगी और यहाँ पे मैं मेरी स्मार्ट सेल्स एंड सर्विस का GST नंबर यहाँ पे डालूँगा मैं। तो इस तरीके से और मेरा प्रोवाइड GST Earn मैं मंथली रिटर्न फाइल करता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको डाटा फिलअप करते हुए एक्सेप्ट करूँगा और इसको भी मैं एक्सेप्ट करूँगा। इस तरीके से हमारी ये GST इनेबल हो चुकी है और अब हमें जो वाउचर मोड है वो ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गेटवे टेली के अकाउंट इन्फॉर्मेटर पर एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद वाउचर टाइप पर और उसके बाद अल्टर पर और सबसे पहले परचेज
और परचेज में जाऊंगा तो यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग जो है आ रहा है हमारे सामने, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होता है, तो मैं इसको यहाँ से ऑटोमेटिक हटाने के बजाय इसको मैं मैनुअल करूँगा। मैं मैनुअल से क्या होता है, जो इनवॉइस का नंबर होता है वो हम मैनुअल रूप से इसके अंदर पोस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं सेल्स का भी कर लेता हूँ, सेल्स में ऑटोमेटिक के बजाय मैनुअल, और इसको भी मैं एंटर करके एक्सेप्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास जो इनवॉइस आया है उसकी एंट्री हम परचेज में करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री करने के लिए ट्रांजैक्शन मेन्यू के अकाउंटिंग वाउचर में, और अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हम वाउचर हमारा परचेज वाउचर है तो परचेज वाउचर की जो कमांड हमारी रहेगी F9, चाहे तो हम यहाँ से शॉर्टकट यहीं से भी जा सकते हैं। तो मैं F9 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर है, तो फ्रेंड्स हमने जो मैनुअल रूप से किया था इसीलिए हमारा कर्सर यहाँ पर आ चुका है, नहीं तो ये सप्लाइज इनवॉइस नंबर पे रहता। तो अब इसका जो इनवॉइस नंबर है वो 248 है, यानी कि 248 नंबर, एंटर प्रेस करूँगा। और उसके बाद में जो इनवॉइस की जो डेट है वो 8 जुलाई 2020 है, और हमारे सामने प्रेजेंट टाइम में आ रही है 1/4/2020। तो हम डेट को चेंज करने के लिए F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे 8/7 प्रेस करेंगे तो 8 जुलाई 2020 हो जाएगा। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर में मैं 248 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम है, किससे हमने माल परचेज किया है, श्री गणेश इंटरप्राइजेस से। तो इसका कस्टमर का लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर लेज़र क्रिएट करना हो शॉर्टकट तो इसके लिए मैं प्रेस करूँगा Alt+C, श्री गणेश इंटरप्राइजेस। तो ये हमारा सप्लायर्स है, और सप्लायर्स को हम रखते हैं सैंडरी क्रेडिटर्स में। सैंडरी क्रेडिटर्स में हम एंटर इंटरप्रेस करते हुए यहाँ पर इसका एड्रेस आएगा करेंगे। अब एड्रेस हमें कैसे पता चलेगा अभी इस कंपनी का एड्रेस क्या है, क्योंकि इस पार्टी से जो हमें इनवॉइस आया है उस इनवॉइस के ऊपर उस कंपनी का एड्रेस लिखा होता है, यानी कि 56 ब्लॉक वार्ड नंबर 25 बीकानेर, और यही एड्रेस हम यहाँ पर भी फिलअप करेंगे, वार्ड नंबर 25 बीकानेर। वो एंटर प्रेस करते हुए कंट्री इसकी इंडिया रहेगी, स्टेट हमारा राजस्थान रहेगा, यहाँ पर उसका पोस्टल कोड रहेगा, और रजिस्ट्रेशन टाइप में हम इसको रेगुलर करेंगे। अब रेगुलर कैसे करेंगे, क्योंकि इस पार्टी ने जो हमें इनवॉइस दिया है और इस इनवॉइस पे उसने SGST और CGST टैक्स भी चार्ज किया हुआ, तो इसका मतलब ये रेगुलर पार्टी है। तो हम इसको रेगुलर करेंगे, और रेगुलर करने के बाद में जो इस कंपनी का जो GST नंबर है वो यहाँ पर हम डालेंगे। और एंटर प्रेस करते हुए इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। उसके बाद में नेम ऑफ आइटम, हमने गुड्स क्या परचेज किए हैं, जो गुड्स है वो हमारे ये रहेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, यानी कि लुब्रिकेंट ऑयल 5 लीटर और एक एयर फिल्टर। तो इसको मैं यहाँ पे जो नेम ऑफ आइटम में आइटम को मैं क्रिएट करूंगा, और क्रिएट करने के लिए Alt+C शॉर्टकट वर्ड यूज करूंगा मैं, लुब्रिकेंट ऑयल 5 लीटर। तो ये हमारे लिए एक लुब्रिकेंट यानी कि ऑयल्स के प्रोडक्ट्स है, लुब्रिकेंट्स के। तो मैं यहाँ पे इसका एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगा Alt+C से, लुब्रिकेंट्स ऑयल, क्योंकि इसके अंदर ऑयल में आप 5 लीटर है, इसमें आप हमारे पास 2 लीटर में भी आ सकता है, 10 लीटर में भी आ सकता है, 20 लीटर में भी आ सकता है, लेकिन जो ग्रुप रहेगा वो लुब्रिकेंट ऑयल इसका रहने वाला है। और यूनिट में इसको हम पीसीएस में इसको सेल करेंगे, तो मैं इसको पीसीएस में बनाऊंगा, और यूकीस में इसका भी PCS ही दूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। अब अल्टरनेट यूनिट हमें ऐसी कुछ भी देनी है, बिल ऑफ मटेरियल हमें कुछ भी देना है, क्योंकि ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। और GST डिटेल में इसको हम यस करेंगे, और इसको सेट डिटेल भी इसकी यस करेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे लुब्रिकेंट, जो इसका डिस्क्रिप्शन हमें शो हो रहा है, लुब्रिकेंट ऑयल। और यहाँ पर इसका HSN कोड यानी कि 2710, और ये हमारी टैक्सेबल प्रोडक्ट्स है तो हम इसको टैक्सेबल करेंगे, और जो इतना टैक्स इसका पर लगता है 18% का वो हम यहाँ पे IGST में डालेंगे। और गुड्स को करते हुए इसको हम, और जो क्लोजिंग मेथड है वो हमारा लास्ट परचेज कॉस्ट रहता है, तो इसमें से हम लास्ट परचेज कॉस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि हमें बाद में इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से जो हमारे पास प्रोडक्ट का नाम बन चुका है, और इसकी जो क्वान्टिटी है वो है 4 पीस, और इसका एक का जो टैक्सेबल रेट है वो 750 रुपये है। तो जैसे हम इंटरप्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक परचेज के लिए लेज़र पूछेगा, तो हम परचेज का लेज़र भी यहाँ पे Alt+C शॉर्टकट से हम बना लेते हैं। तो अब हमारे लिए एक तरीके के ये स्पेयर पार्ट्स हैं, तो हम इसको
स्पेयर पार्ट्स गुड्स जीएसटी 18% परचेज काउंट, और ये अंडर में रहेगा परचेज एप्लीकेबल रहेगा। तो ये हमारी लोकल की परचेज है तो हमें जीएसटी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, और टाइप ऑफ सप्लाई में ये गुड्स रहेगा और इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एयर फिल्टर, इसको भी हम क्रिएट करेंगे एयर फिल्टर। तो ये हमारा फिल्टर के प्रोडक्ट्स हैं, तो हम इसको ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करेंगे इसके फिल्टर। तो ये भी हमारा पीसीएस में रहेगा जीएसटी डिटेल में, यस। अभी यहाँ पर इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम फिल्टर डाल देंगे, और इसका एचएसएन कोड है जो 8421, और ये भी हमारा टैक्सेबल प्रोडक्ट है तो टैक्सेबल करेंगे, और 18% का प्रोडक्ट है तो हम इसको भी 18% यहाँ पे रखेंगे, और गुड्स में रख के इसको भी हम लास्ट परचेज कॉस्ट करेंगे, और एंट्री इंटरसेप्ट करते हुए इसको मैं सेव करूँगा। और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 7 पीस, और 103 रुपये इसका एक का प्राइस है टैक्सेबल प्राइस। तो ये भी हमारा स्पेयर पार्ट्स का प्रोडक्ट है 18% का, हम इसमें डालेंगे। तो अब इसके बाद हमारा जो इनपुट का टैक्स रहने वाला है सीजीएसटी और एसजीएसटी, उसके लेजर भी हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इनपुट टैक्स सीजीएसटी, तो फ्रेंड्स आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा केवल सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से लेजर क्रिएट कर देते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप प्रैक्टिकली रूप से अकाउंटिंग सीखना चाहते हो तो आप परचेज के अंदर इनपुट टैक्स का वर्ड यूज कीजिए और सेल्स में आउटपुट टैक्स का वर्ड यूज कीजिएगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और इसको हम जीएसटी करेंगे, और इसको सेंटर टैक्स, और इसी तरीके से हमारा इनपुट है जो एसजीएसटी टैक्स रहेगा, जीएसटी स्टेट टैक्स नोट एप्लीकेबल करके इसको ये हमारा टैक्स रहेगा, यानी कि 4390.78 रुपये की अमाउंट आ चुकी है। अगर उसी इन्वॉइस की हम बात करें तो ये भी हमारा 4390.78 रुपये, और ये 22 पैसे राउंड ऑफ किया हुआ है, तो हम हमारी कंपनी में भी इसका एक राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट करेंगे, राउंडेड ऑफ। तो हम इसको चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रख सकते हैं, चाहे आप इनडायरेक्ट इनकम में रख दो, एप्लीकेबल इस पर नहीं करेंगे। तो अब हमें 22 पैसे राउंड ऑफ करना है, तो 0.22 पैसे, तो ये हमारा राउंड ऑफ हट के जो नेट इनवॉइस की अमाउंट है 4391 रुपये वो पूरी हो जाएगी, और मैं इसको इंटर को करके इस बिल को मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो इस तरीके से हमने ये प्रोडक्ट को परचेज कर लिया है। अब हमारे पास एक कोई कस्टमर आता है, वो अपनी गाड़ी लेके उस गाड़ी में वो अपना गुड्स भी हमारे से परचेज करेगा और वो सर्विस भी हमारे से लेता है, तो उसका इनवॉइस हम कस्टमर को कैसे बना के देंगे उसकी एंट्री हम भी करके देख लेते हैं। तो उसकी एंट्री हमारी रहेगी, सबसे पहले हमें दो लेज़र भी हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, एक सेल्स का और एक सर्विसेज एंड मेंटेनेंस का। तो अकाउंट्स में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे और हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला जो लेज़र बनेगा, जो हमारी स्पेस पार्ट परचेज है, तो स्पेस पार्ट हमें सेल भी करना पड़ेगा, तो स्पेयर पार्ट्स जीएसटी 18% सेल्स, ये लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा। हम चाहे तो वहाँ पे शॉर्टकट भी बना सकते थे, लेकिन हम पहले बना के रख लेंगे तो हमें वहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अंडर में सेल्स काउंट रहेगा, एप्लीकेबल रहेगी, और ये हमारा गुड्स पे रहेगा। तो इसी तरीके से ये तुम्हारा था जो गुड्स हम सेल करेंगे उसका ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम जो सर्विस चार्ज करेंगे उसका लेज़र भी हमें बनाना पड़ेगा, सर्विसेज एंड मेंटेनेंस के नाम से हम एक लेज़र क्रिएट करते हैं। आप सर्विस चार्ज भी बना सकते हो, सर्विस एंड मेंटेनेंस भी बना सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंटेनेंस के नाम से मैंने एक लेज़र क्रिएट कर लिया, और ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम रहने वाली है, क्योंकि हम सर्विसेज के पैसे लेते हैं तो हमारे बिजनेस में इसकी इनकम आती है सर्विस के रूप में, तो हम इसको इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे। तो जीएसटी इस पर एप्लीकेबल रहेगी, और सेट जीएसटी डिटेल इसको हम यस करेंगे। अब यस करेंगे तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे रहेगा सर्विसेज का, और यहाँ पे जो सर्विस का जो कोड रहेगा वो हम इसका एचएसएन कोड भी यहाँ पर टाइप करेंगे। अब हमें यहाँ पे जो पूछ रहा है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, अब हम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हम नोट एप्लीकेबल रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारे पास कस्टमर एक ऐसा भी आ सकता है जो आउट ऑफ स्टेट का भी हो सकता है, और कस्टमर ऐसा भी आ सकता है जो हमारे लोकल राजस्थान का भी हो सकता है। अगर आप अलग अलग लेज़र क्रिएट करना चाहो सर्विस एंड मेंटेनेंस के, लोकल का और आईजीएसटी का, तो आप अलग अलग मेंटेन कर लो। अगर आपको एक ही लेज़र क्रिएट करना है और वही आप आईजीएसटी के लिए भी वर्ड यूज़ करोगे और लोकल के लिए यूज़ करोगे, तो आप यहाँ से इसको नोट एप्लीकेबल रखोगे, और ये हमारी टैक्सेबल रहेगी, तो इसको हम 18% इस पर टैक्स लगता है सर्विस पे।
तो हम इसको 18%। अब हम टाइप ऑफ सप्लाईज के अंदर इसको सर्विस रखेंगे और इंटर प्रेस करते हुए इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा लेजर क्रिएट हो चुके हैं। अब हमारा जो आउटपुट टैक्स के जो लेजर रहेंगे, आउटपुट सीजीएसटी टैक्स, तो ये रहेगा ड्यूटीजन टैक्सेस में, तो जीएसटी रहेगा और सेंटर का टैक्स रहेगा। तो इसी तरीके से आउटपुट एसजीएसटी टैक्स, ड्यूटीजन एसजीएसटी और स्टेट का टैक्स। तो अब हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाके एंट्री करनी है और अब एड प्रेस करेंगे सेल्स के लिए। तो अब एक कस्टमर ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, केवल उसने सर्विस करवाई है, प्रोडक्ट हमारे से उसने परचेज नहीं किया, वो प्रोडक्ट्स अपने मार्केट से खुद के पैसे से परचेज करके आया है, हम केवल उसकी सर्विस के ही पैसे ले रहे हैं। और एक कस्टमर ऐसा भी आ सकता है जो हमारे से प्रोडक्ट भी परचेज करता है और सर्विस भी करता है, तो दोनों की वाउचर की एंट्री हम करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक 9/7 के अंदर हम एंट्री करेंगे, इनवॉइस नंबर हमारा फर्स्ट रहेगा। अब हमारे एक कोई कस्टमर आ गया, महेश कुमार, तो ये हमारा कस्टमर है, इसको हम रखेंगे अंडर सैंडरी डेब्टर्स में। तो ये हमारा कस्टमर है तो हम इसको रखेंगे अनरजिस्टर्ड में सेल करेंगे। अब इसने हमारे से एक ऑयल भी परचेज किया है, तो हम इसको ऑयल में परचेज की एंट्री करेंगे। मान लीजिए इसने एक पीस है जो ऑयल परचेज किया है और रेट हमने इसको 900 रुपये का लगा दिया और एंटर एंटर प्रेस करेंगे। तो अब जो हमने लेज़र क्रिएट किया था स्पेयर पार्ट जीएसटी 18% सेल्स का, वो लेज़र यहाँ पर आ जाएगा। तो अब उसने कस्टमर ने हमारे से सर्विस भी ली है, तो हम उसका सर्विस एंड मेंटेनेंस के नाम से जो लेज़र हमने बना रखा है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसका जितना भी चार्ज हमारा बनता है वो चार्ज हम यहाँ पर टाइप करेंगे। अब मान लीजिए आप अगर परसेंटेज पे लेते हो तो आप परसेंटेज भी टाइप कर सकते हो। अगर आपने राउंड ऑफ सिर्फ अमाउंट लेनी है, मान लीजिए आपकी 500 रुपये की सर्विस बनी है, तो आप 500 रुपये यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। तो जैसे आप 500 करोगे तो यहाँ पे ऊपर वाली जो अमाउंट आ रही है ये तो आ रही है इस प्रोडक्ट की 762 रुपये और 71 पैसे, और ये जो 500 रुपये ये हमने सर्विस ली है। अब जो टैक्स लगेगा हमारा आउटपुट सीजीएसटी टैक्स रहेगा और एक आउटपुट एसजीएसटी टैक्स रहेगा। तो फ्रेंड्स ये जो टैक्स चार्ज जो किया है वो इस प्रोडक्ट पे और ये जो 500 रुपये हमारी जो सर्विस है दोनों पे ही टैक्स चार्ज हुआ है। अब जो टोटल अमाउंट वो हमारी बनी है वो है 1489.99 पैसे, तो हम इसको एक पैसे को राउंड ऑफ करेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा 1490 रुपये का इनवॉइस बनेगा। तो अब यहाँ पर इसका जॉब कार्ड का नंबर, यानी कि जो कस्टमर ने आपने कोई कार्ड दे रखा है या इसकी कोई स्लिप आपने जो बना के दे रखी है उसका नंबर क्या है, वहाँ पे आप जॉब कार्ड में से देख के आप डाल सकते हो। अब इसमें व्हीकल नंबर भी आप डाल सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई भी कलम नंबर मैंने RJ131G1234 डाल दिया फॉर एग्जांपल, आप किसी भी कम जो आपके पास गाड़ी आई है उस गाड़ी का नंबर देख के भी आप डाल सकते हो। अदर रेफरेंस में मतलब आप कोई भी रेफरेंस डाल सकते हो, कोई इसका एक टाइप का नरेशन हम इसको बोल सकते हैं। मान लीजिए आपकी इसकी भी सेकेंड सर्विस है इस गाड़ी की, तो आप सेकेंड सर्विस डाल सकते हो। अब व्हीकल का कलर क्या था, मैंने यहाँ पर वाइट कर दिया, और इसके बाद व्हीकल का जो इंजन नंबर है वो इंजन नंबर क्या है वो आप उसकी RC में से या गाड़ी के इंजन पे से देख के भी सर्च कर सकते हो। व्हीकल का जो चेसी नंबर है वो भी उसकी गाड़ी की RC के अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आ सकते हो। नंबर ऑफ सिलेंडर, यानी कि कितने सिलेंडर्स की गाड़ी है, मैंने कहिए वो 4 सिलेंडर गाड़ी है, आप 3 है तो 3 कर सकते हो, 4 है तो 4 कर सकते हो। अब इंजन टाइप, किस टाइप का इंजन है, मैंने ये कह दिया यहाँ पे वो भी 1200 cc का इंजन का टाइप है उसका। अब नरेशन में कुछ भी हम लिख सकते हैं हमारी तरफ से, अगर कोई कस्टमर का रेफरेंस हम लिखना चाहें तो, और इसको मैं एंटर एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करूँगा। तो आपका इसका एक बार मैं प्रिंट प्रीव्यू भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मैं जैसे अल्ट पी प्रेस करेंगे और इसको मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये इसका प्रीव्यू आ जाएगा। इसको मैं जूम कर लेता हूँ, तो जूम करने से अब ये हमने इसको जो प्रोडक्ट सेल किया था लुब्रिकेंट ऑयल, ये इसका HSN कोड है, इसका GST है, इसकी क्वांटिटी है और इसका ये जो टैक्सेबल रेट आ गया, और उसके बाद जो सर्विस एंड मेंटेनेंस हमने इसे चार्ज किया था वो भी 500 रुपये आ गया। अब ये यहाँ पे इसका टैक्स चार्ज इसने किया है, और यहाँ पर जो हमने इसकी इन्फॉर्मेशन डाली थी जो गाड़ी की, जो व्हीकल का नंबर वगैरह जो हमने दिया था, गाड़ी का नंबर था, चेसी नंबर था, इंजन नंबर था, गाड़ी के व्हीकल नंबर वगैरह, जो कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ डाला था, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी आएगी। यानी कि वो कस्टमर के जब इनवॉइस देंगे तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर और डेट भी साथ में छप के आएगी, और यहाँ पर उस कस्टमर का नाम भी आएगा, महेश कुमार का बेचा था। ऊपर हमारी स्मार्ट सेल्स एंड सर्विस की जो कंपनी, हमारी जो कंपनी का नाम है, हमारा एड्रेस है और हमारा जो GST नंबर वगैरह वो सब कुछ यहाँ पर प्रिंट आपको दिखेगा, और यहाँ पर इसकी जो टैक्स की जो समरी है वो भी सब कुछ प्रिंट होके इसके साथ में आएगी।
अब ये जो 762 रुपये था वो हमारा जो गुड्स की जो वैल्यू थी वो थी, और ये 500 रुपये वो हमारी सर्विस की वैल्यू थी, यानी कि इसके ऊपर वो 500 रुपये है तो 45-45 रुपये CGST और SGST टैक्स पे चार्ज लगा हुआ है, और दोनों का HSN कोड अलग अलग है तो HSN कोड की समरी भी हमें अलग अलग यहाँ पे शो करेगा। सेंटर टैक्स रहेगा CGST टोटल टैक्स में, यानी कि 227 रुपये 28 पैसे इसका टोटल टैक्स बना है, और ये जो 1490 रुपये ये इस इनवॉइस की है जो नेट वैल्यू आई है। अब ये तो था फ्रेंड्स हमारे पास अगर कोई कस्टमर गुड्स और सर्विस दोनों अगर हमारे से लेता है तो। अब कई कस्टमर ऐसे आते हैं जो केवल सर्विस हमारे से ले रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए हम इनवॉइस नंबर 2 देंगे। लेकिन अगर केवल और केवल सर्विस है तो हम इस जो हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है नेम ऑफ आइटम का, इसको हमें हटाना पड़ेगा, हमें जो ऑप्शन जो लेना पड़ेगा अकाउंटिंग इनवॉइस, जो हमें जो शो हो रहा है ऑप्शन अकाउंटिंग इनवॉइस, इस मोड को हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे इस पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो नेम ऑफ आइटम का जो ऑप्शन अभी हमें दिख रहा था वो हट जाएगा, यहाँ पे केवल पर्टिकुलर आएगा इनवॉइस नंबर 2। अब ये कस्टमर हम अलग से बना लेते हैं, उनके दिया राजेंद्र कुमार एंड कंपनी, यानी कि हम किसी कंपनी को दे रहे हैं, ये हमारा सैंडी डेप्टर रहेगा, और ये एक रेगुलर डीलर है यानी कि रजिस्टर्ड पार्टी है, तो ये हमारे से इनवॉइस मांगेगा क्योंकि इसे ITC भी क्लेम करना होगा, तो इसका हम GST भी यहाँ पे डाल देंगे। और इंटर प्रेस करते हुए इसको सेव करेंगे। अब केवल हमारे पास जो सर्विस एंड मेंटेनेंस जो चार्ज था, अब यहाँ पर अमाउंट हमें पूछेगा इंक्लूसिव ऑफ DSC, इंक्लूसिव ऑफ GST, यानी कि जो विद GST समेत आपकी टोटल अमाउंट कितनी है। हमने इसको 1000 रुपये की अमाउंट हमने इसे लेनी है विद GST, तो 1000 हम टाइप करेंगे तो यहाँ पर इसकी टैक्सेबल वैल्यू है जो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे टाइप कर देगा, यानी कि 18% माइनस करने के बाद, और इस पर हम टैक्स जो लगाएंगे आउटपुट CGST टैक्स है और आउटपुट है जो SGST टैक्स है। तो इस तरीके से जो टोटल इनवॉइस की वैल्यू है वो 1000 रुपये बनेगी। अब इसके अंदर सेम वही इन्फॉर्मेशन हमें इसका जॉब का नंबर वगैरह, इसका जो गाड़ी का नंबर वगैरह जो भी हम यहाँ पे डालना चाहें वो हम डाल सकते हैं, अदर रेफरेंस में कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं, व्हीकल का जो कलर है हमने कह दिया इसका रेड था, व्हीकल का जो इंजन नंबर है वो डाल सकते हैं हम, चेसी का नंबर भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं, सिलेंडर हम डाल सकते हैं 3 सिलेंडर की है वो, 4K4 हम डाल सकते हैं, इंजन का टाइप किस टाइप का है हमने इसके दिया 1000 CC है। तो इस तरीके से ये इनवॉइस हम इसको देंगे। अगर इस इनवॉइस का हम प्रिंट प्रीव देखें LP करके और इसको हम जूम करेंगे तो ये इस तरीके से इनवॉइस हमें शो होएगा। सर्विस एंड मेंटेनेंस केवल इतना ही लिख के आएगा इसके ऊपर, और इसकी वैल्यू है जो सारी यहाँ पे लिखी आएगी, HSN कोड है इसका, GST परसेंटेज और इसकी टैक्सेबल वैल्यू 847 रुपये 40 पैसे, और CGST और SGST टैक्स रहेगा। और यहाँ पर इसकी जो हमने इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड कराई थी, इसका जॉब कार्ड नंबर, इसका व्हीकल का नंबर, अदर रेफरेंस वगैरह, वो सारा इस इनवॉइस पे छप के आएगा। और यहाँ पर इस पार्टी का नाम, यानी कि जिस पार्टी को हमने ये इनवॉइस जारी किया था राजेंद्र कुमार एंड कंपनी को, इस पार्टी का GST नंबर आएगा, इसका स्टेट आएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, और ऊपर हमारी सारी जो भी है हमारी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो रहने वाली है। तो फ्रेंड इस तरीके से हम गुड्स एंड सर्विस दोनों का एक साथ इकट्ठा इनवॉइस भी बना सकते हैं, हम केवल सर्विस एंड मेंटेनेंस का एक अकेला बिल भी बना सकते हैं, हम केवल एक गुड्स सेल्स का भी अकेला इनवॉइस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप 2-व्हीलर कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो तो भी आपको सर्विस एंड मेंटेनेंस के नाम से भी आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, सेम यही प्रोसेस रहेगा। तो उसी के अंदर भी आप व्हीकल का नंबर, इंजन का नंबर, चेसी नंबर आप दे सकते हो। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें बहुत बड़ा हौसला देता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग नए टॉपिक के साथ।